सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देखें न्यूट्रिशनिस्ट ऑफिशियल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा, व्हाट्स रॉन्ग। तो ये मैंने दो यूट्यूबर्स के मेनली वीडियो फोटोज पोस्ट की है, रीज़न भी कि यही दो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे कोचेस के एथलीट्स के इंटरव्यू लिए हैं, लाइक जेन्युइन इंटरव्यूज, जिनके थ्रू लोग बहुत लोगों तक पहुँचे हैं, लाइक कॉन्टैक्ट बने, कॉन्टैक्ट किया है कई लोगों ने। सो तो बेसिकली देखिए, प्रॉब्लम कुछ है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम सेम टाइम है भी और नहीं भी है। रीज़न भी कि देखो होता क्या है कि मान लो कोई भी अगर कोच है अपना वीडियो बना रहा है, मतलब इंटरव्यू है दिया, ठीक है, तो उसके गुड पॉइंट्स ही आते हैं, ठीक है। बट हर उस अगर ये कोच के अंडर 100 एथलीट्स होंगे तो 100 उस लेवल के नहीं होंगे। एक जेनेटिक फ्रीक होगा, कुछ होगा, छोटे ऊपर नीचे होते हैं, बट ऑन ग्राउंड ये चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं कोचेस की। रहते हैं इंटरव्यूज में बहुत अच्छा काउंट करता है कि रिजल्ट ऐसे हैं, ये है वो, बट ऑन ग्राउंड रिजल्ट वेरी कर जाते हैं। बहुत लोग को बहुत बहुत अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है। लेकिन मेरा खुद, मैंने एक मतलब यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही मैं गया था जहाँ मैं ट्रेनिंग करता था, तो मैंने अपना वहाँ टाइम दिया, वीडियो में तुम पता था मेरी क्रिएटिविटी अच्छी है, टाइम दिया है, बट दैट डिडंट मिला कुछ नहीं। सो ये सब चीज़ें हैं कि जब आप कोई भी इंटरव्यू देख रहे हैं, कोचेस के देख रहे हैं, एथलीट्स के देख रहे हैं, तो बस उसको ऐसे इंफॉर्मेटिव सोच लीजिए। बट कभी भी अगर आपको कोचिंग लेनी है या किसी से किसी भी कॉन्टैक्ट करना है, तो पहले अपने एंड से हर एक चीज़ क्लियर कीजिए, हैंडल किए कि आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है विद इन 2-3 मंथ ट्रायल बेसिस पे, एंड फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि करना क्या है। क्योंकि देखो मेन बात है कि दो चीज़ें, टाइम आपको बहुत वेस्ट होता है उसमें, एंड पैसा तो जाते ही जाते हैं। बट जो आप जूनियर होते हुए कर सकते हो, सीनियर में अगर आप करना पड़ता है, वो 3-4 साल लॉस हो जाते हैं। तो ये इशू आता है इंटरव्यूज़ और जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं एथलीट्स के या कोचेस के, तो यहाँ एक लूप होल हो जाता है। और जो इनका भी कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है ग्रो कराने में, बट सेम टाइम पे हमें ये भी देखना होगा कि हमें हर ग्रुप को देखना है। लाइक अगर आपको जो फाइनेंशियली वीक पार्ट है बंदा है, वो अगर जा रहा है कोचिंग लेने, तो वो वहाँ से कुछ लेके आए, लाइक उसकी वीडियो से एट द एंड जो आउटपुट है वो उसे मिले। सो ये था मेनली मेरे इसमें, मेरे किसी इंडिविजुअल को गलत नहीं कहने का तरीका था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि हर पार्ट से बात होनी चाहिए, उनके एथलीट से बात होनी चाहिए, उनके लाइक हम हर इंटरव्यूज में आप हर कोचेस की तारीफ सुनते हैं, बट जो रिजल्ट नहीं आए उनके बारे में बात नहीं करते। सो हमें ज़रूरी है फेल्योर के बारे में बात करना, ज़रूरी है सक्सेस के बारे में बात करना, जो अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन उनके बारे में भी, जो बैड ट्रांसफॉर्मेशन उसके बारे में। सो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है किसी भी एथलीट का या कोच कैटेगरी को देखिए, तो ये चीज़ जरूरी है। सो कीप वाचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल, थैंक यू।